फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाने जा रहे हैं वड़ा पाव रोल। आपने वड़ा पाव तो बहुत खाए होंगे। वड़ा पाव रोल खा के देखिए, बहुत टेस्टी बनते हैं। तो इसके लिए लिया है मैंने 1 कप मैदा, ये 200 ग्राम्स है। मैदा तो उसकी हाफ दही यानी के 100 ग्राम दही मैंने डाल दी इसमें। आधा टेबल स्पून हम डाल देंगे इसमें बेकिंग पाउडर। आधा चम्मच हम डाल देंगे इसमें इनो सॉल्ट जो मिलता है मार्केट में, इस तरह का। मैंने लेमन फ्लेवर का लिया है। स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से। 1 टीस्पून मैं इसमें तेल डाल रही हूँ, आप कोई भी तेल यूज़ कर सकते हैं। मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से इसे। इसका हमें बहुत ही सॉफ्ट डो बना के तैयार करना है। इसमें हम डाल देंगे थोड़ा थोड़ा करके दूध, जितना हमें ज़रूरी होगा, 3-4 चम्मच जितना हमें ज़रूरी होगा उतना हम दूध यूज़ करेंगे। ये नॉर्मल टेम्परेचर पे दूध है, ना ठंडा है ना गर्म। देखिए दोस्तों, बस इसमें 2 चम्मच ही मेरा दूध गया है और ये हमारा डो तैयार हो चुका है। अब हम इसे अच्छी तरह से मस लेंगे, एकदम अच्छी तरह से, बहुत ही सॉफ्ट बनाएंगे। इस तरह का डो बनाने के बाद हम थोड़ा सा दूध ऐड कर देंगे, जैसे ये हमारा डो सॉफ्ट हो जाए। देखिए दोस्तों, किस तरह से चिपचिपा हुआ आटा बन रहा है। थोड़ा सा और दूध ऐड करेंगे, करीब 2 चम्मच। देखिए दोस्तों, किस तरह से ये हाथों में चिपक रहा है। इस तरह का हमें सॉफ्ट डो तैयार करना है। इसके बाद हम इसे अच्छी तरह से मस लेंगे, जब तक ये हमारे हाथों को छोड़ नहीं देता और बिल्कुल सॉफ्ट आटा नहीं बन जाता। मसलते जाएंगे तब तक। ये देखिए दोस्तों, ये अब हाथों को छोड़ना शुरू कर दिया इसने। अब हम थोड़ा सा तेल ले लेंगे हाथों पर, 1 चम्मच के करीब। देखिए दोस्तों, बहुत ही सॉफ्ट डो बन के तैयार हो चुका है। ये देखिए, हमारे हाथ भी अच्छी तरह से साफ हो गए हैं। अब हम इसे ढक के रख देंगे 10 मिनट के लिए, तब तक हम इसका मसाला बना लेंगे। स्टफिंग के लिए मैंने 4 आलू बॉयल कर लिए हैं और इसे इस तरह से मसल लिया है। इसमें डालेंगे हम स्वाद अनुसार नमक, जितना आप आलू ले रहे हैं उस हिसाब से नमक डाल दीजिए। हरी धनिया की पत्ती डाल देंगे इस पर। ये कुछ मैंने सूखे मसाले ले लिए हैं। ये मैंने थोड़ी सी राई ले ली है, 1/2 चम्मच। ये सूखा धनिया जो रखा होता है उसे मैंने थोड़ा सा कूट लिया है। लाल मिर्च पाउडर ले लिया है मैंने 1/2 चम्मच। थोड़े से कड़ी पत्ते हैं उसको मैंने काट लिया है। थोड़ी सी मैंने लहसुन की कलियाँ ले ली है, आप इसको चॉप कर सकते हैं या इसको बारीक बारीक कूट सकते हैं। ये अदरक ली है मैंने थोड़ी सी, अदरक और लहसुन को आप साथ में मिला के कूट सकते हैं। और एक मैंने अखी मिर्च ले ली है, इसको मैंने तोड़ लिया है। थोड़ी सी मैंने हरी मिर्च ली है, इसको भी काट लिया है। 1/2 चम्मच मैंने गरम मसाला पाउडर ले लिया है। 1/2 चम्मच मैंने जीरा पाउडर, भुना कुटा हुआ जीरा पाउडर ले लिया है और थोड़ी सी हल्दी ले ली है। अब हम एक पैन चढ़ा देंगे गैस पे हम एक पैन चढ़ा देंगे। इसमें मैंने 1 चम्मच तेल डाल दिया है, 1 चम्मच और तेल डाल देंगे। इसमें मैंने 2 चम्मच तेल डाल दिए हैं। इसमें डाल देंगे हम राई, ये जो धनिया हमने कूट के रखा था अखा, वो डाल देंगे। कड़ी पत्ता डाल देंगे, ये हरी मिर्च जो हमने अखी रखी थी, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च सभी डाल देंगे इसमें। ये जो सूखे मसाले हैं वो हम बचा लेंगे, मिक्स कर लेंगे इसे अच्छी तरह से। 1 मिनट के लिए भून लेंगे इस मसाले को। 1 मिनट के लिए हमें इसे भून लिया है। और ये जो सूखे मसाले हैं इसमें हम ऐड कर देंगे गैस बंद करने के बाद, ये सूखे मसाले ऐड करने हैं। अब हम इसे आलू में डाल देंगे, इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। थोड़ा ठंडा हो जाने के बाद मैं इसे हाथों से मिक्स करूंगी, ये अभी काफ़ी गर्म है। मिक्स करेंगे इसे हाथों से, जिस तरह से हम वड़ा पाव का मसाला बनाते हैं बस उसी तरह से हमें वड़ा पाव का मसाला बना के तैयार करना है। दोस्तों, आलू बॉयल करने के बाद इसे अच्छी तरह से ठंडे कर लेने चाहिए, उसके बाद ही
पैटिस या कुछ भी वड़ा पाव का मसाला बनाना चाहिए, इससे मसाला काफ़ी अच्छा बनता है। अगर हम गरम गरम आलू बॉयल करके उसमें इसे पैटिस बनाते हैं तो वो ज़्यादा घी कंज्यूम कर लेता है। इस तरह से हमारा ये मसाला बनके तैयार हो चुका है। आप टेस्ट करके देख लीजिए आपका नमक मिर्च बराबर है, नहीं तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। दोस्तों वैसे तो इस वड़ा पाव रोल को ओवन में बनाया जाता है, लेकिन बहुत लोगों के पास ओवन नहीं होता तो हमने इसका सोर्स भी निकाल लिया है। आप एक हैवी बॉटम वाली कढ़ाई ले लीजिए या कोई बड़ा भगोना या प्रेशर कुकर जो भी आपके पास हो, जो थोड़ा पुराना हो गया हो। इस तरह से देखिए, ये मेरी पुरानी कढ़ाई है, इसमें मैं हमेशा बेकिंग करती हूँ। इसमें हम डाल देंगे नमक। ये नमक का कलर आपको चेंज लग रहा होगा क्योंकि मैंने इसे बहुत बार बेकिंग के लिए यूज़ किया है, कम से कम मैंने इसे 10-15 बार बेकिंग के लिए यूज़ किया है। इसे हम इस तरह से बिछा देंगे नमक को। आप बिना नमक के भी यूज़ कर सकते हैं। इसे नमक बिछाने से क्या होता है दोस्तों, ये हमारी कढ़ाई बिल्कुल नहीं जलती। तो इसके अंदर हम एक स्टैंड रख देंगे और गैस को ऑन कर देंगे। मीडियम आंच पे हम गैस को 10-15 मिनट के लिए प्री हीटेड कर देंगे। जिस तरह से हम ओवन को प्री हीटेड करते हैं, इस तरह से हम अपनी कढ़ाई को प्री हीटेड कर देंगे, मीडियम गैस कर देंगे और इसे ढक के रख देंगे जैसे ये अच्छी तरह से गर्म हो जाए। दोस्तों 10 मिनट हो चुके हैं, हमने अपना मसाला बना दिया था आलू का और ये हमारा आटा भी अच्छी तरह से फ्लफी हो चुका है। अब थोड़ा सा आप अपने हाथों पे तेल लगा दीजिए जैसे हमारा हाथों पे आटा ना चिपके, और थोड़ी सी एक लोई तोड़ लीजिए इस तरह से, नीचे से इसे प्रेस करते हुए जाइए और एक गोली बना दीजिए इसकी, इस तरह से बॉल बनाना है। एक लोई ले लेंगे दोस्तों और इस पर हम थोड़ा सा आटा डस्ट कर देंगे, जो हमने मैदे का आटा बनाया है वो मैदा ले लेंगे और इस तरह से इसे प्रेस करते हुए, आप चाहें तो बेलन से भी कर सकते हैं। ये बहुत सॉफ्ट है दोस्तों। इस तरह से दोस्तों हम एक रोटी बेल ले लेंगे और इसके आधे तरफ हम इस तरह से चीरे लगा देंगे। आप चाकू से भी लगा सकते हैं, मैंने ये पिज़्ज़ा कटर लिया है। इस तरह से हाफ हिस्से पे, और जो पीछे का हाफ हिस्सा है उस पर हम ये आलू का मसाला भर देंगे, रोल बना देंगे और इसे यहाँ पर रख देंगे। थोड़ा सा पानी लगा देंगे यहाँ पर, इसे इस तरह से फोल्ड कर देंगे, साइड्स भी फोल्ड कर देंगे। एक और फोल्ड कर देंगे जिससे ये बिल्कुल बाहर ना निकले। अब जो हमने एक एक पट्टी ली है उसे हम यूज़ करेंगे। एक पट्टी ले लेंगे, इसके बैक में डाल देंगे। आप छोटे बड़े किस तरह के भी रोल बना सकते हैं अपने हिसाब से। देखिए दोस्तों, एक एक पट्टी को हम ले लेंगे और इसके ऊपर इस तरह से लगाते जाएंगे। जो एक्स्ट्रा आटा है आप इसे काट सकते हैं या तो आप इसे यहीं पर ज्वाइन कर दीजिए, ये देखिए। और इसे हम थोड़ा सा टर्न करके, ये जो हमारी नीचे आ रहे हैं इससे, उसको हम थोड़ा सा पानी से इस तरह से प्रेस कर देंगे जैसे ये खुले नहीं बेकिंग करते वक्त, इस तरह से उंगली से प्रेस कर देंगे। थोड़ा सा पानी ले लेंगे और इसे इस तरह से प्रेस कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, तैयार है हमारा रोल। इस तरह से मैं चारों रोल बना के तैयार कर दूँगी। दोस्तों इस तरह से आप कोई भी ट्रे ले सकते हैं जिसे आप इसमें बेक कर सकते हैं, अगर आपके पास ओवन है तो, या आपके पास कोई बड़ा भगोना है तो आप इस तरह की ट्रे यूज़ करके सारे रोल एक साथ बेक कर सकते हैं। मैं सिर्फ चार ही बेक कर रही हूँ क्योंकि मेरी कढ़ाई छोटी है, इस तरह की मैं प्लेट यूज़ कर रही हूँ। इस पर हम डाल देंगे थोड़ा सा तेल और इसे अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे। अच्छी तरह से ग्रीस करना है जैसे ये इस पर चिपक नहीं जाए। देखिए, इसे मैंने अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है। रोल रखते जाएंगे इस पर हमने जो बनाए हैं। ये देखिए, मैंने कुछ छोटे बनाए हैं, कुछ बड़े बनाए हैं, आप अपने हिसाब से बना सकते हैं रोल्स को। ये देखिए, मैंने ये छोटा रोल बनाया है, आप अपने हिसाब से छोटे बड़े रोल्स बना सकते हैं। इसके ऊपर हम थोड़ा सा दूध ले लेंगे, ये रूम टेम्परेचर पे है दूध, और इसे थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे दूध से। इससे बहुत ही अच्छा कलर आता है ऊपर, जैसे एकदम हम ओवन में हमारे तैयार होते हैं इस तरह से हम दूध लगाने से बहुत ही अच्छा कलर आ जाएगा इस पर। आप चाहें तो इसके ऊपर थोड़ा सा बटर भी लगा सकते हैं। दोस्तों इसकी एक अच्छी बात है, आप वड़ा पाव का भी मज़ा ले सकते हैं, वो भी बिगर तेल के, जिसमें हमने तेल बिल्कुल नहीं यूज़ किया। अब हमारी जो हमने कढ़ाई रखी थी प्री हीट करने के लिए वो गर्म हो चुकी है।
दोस्तों कढ़ाई काफ़ी गर्म है, इसे हमें बिल्कुल नहीं छूना है। बहुत ही सावधानी से हम इस प्लेट को इसमें रख देंगे। इस तरह से हम इस प्लेट को इसमें रख देंगे और इसे अच्छी तरह से ढक के कम 20-25 मिनट के लिए पकाएंगे। 25 मिनट के बाद हम चेक करेंगे कि हमारे रोल तैयार हुए हैं कि नहीं। इसे हम अब ढक लेंगे, गैस को मीडियम कर लेंगे और इसे इसी तरह से 20-25 मिनट के लिए छोड़ देंगे। दोस्तों 20 मिनट के बाद मैंने इसे एक बार चेक कर लिया था, अभी 35 मिनट हो चुके हैं। एक बार इसे मैं चेक कर लेती हूँ ये तैयार हुए हैं कि नहीं। बिल्कुल सावधानी से इसे चेक ढक्कन को उठाना है क्योंकि ये बहुत गर्म रहता है। ये देखिए दोस्तों, ये अच्छी तरह से इस पर कलर आ चुका है। गैस को बंद कर देंगे। दोस्तों ये थोड़ा सा बर्तन काला हो जाता है, इसके लिए मैंने बोला था आप कोई भी पुराना बर्तन यूज़ करना। इसे हम बहुत ही सावधानी से बाहर निकाल देंगे, ये प्लेट बहुत गर्म रहती है दोस्तों। और ये जब रोल्स गर्म हो तभी हम इसके ऊपर थोड़ा सा बटर लगा देंगे, इससे ये बहुत ही सॉफ्ट हो जाते हैं। इस तरह से बटर से ग्रीस कर लेंगे। इसे हम थोड़ा सा ठंडा कर देंगे, उसके बाद मैं इसे प्लेट में निकाल दूंगी। दोस्तों तैयार है हमारे वड़ा पाव रोल्स, ये बहुत ही टेस्टी बने। ये देखिए कितने क्रिस्पी बने हैं। दोस्तों हमारे बॉम्बे में ये बहुत ही मशहूर है, आप भी इसे घर पे बनाइए, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो दोस्तों जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय।